Good morning students, welcome back to the computer class beta. In the previous video we have already done the topic what do you mean by cell reference and what are its types. Cell reference ka matlab maine aapko bataya tha means ek particular cell ka jo address hai us par agar koi value hai hum usko kaise reference karenge, kaise refer karenge, kis tarah se use similar karenge ya correlate karenge dusron ke sath uske एड्रेस के साथ. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा व्हाट डू मीन बाय सेल रेफरेंस टू द अनदर वर्कशीट. कैसे हम एक पर्टिकुलर वर्कशीट के सेल की वैल्यू को किसी दूसरी वर्कशीट में उसके एड्रेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, है ना. एंड व्हाट आर इट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ वी कैन यूज द फंक्शंस इन अवर एक्सेल. बेटा क्या होता है, हमारे एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिक्लेयर्ड है, लाइक ऑटो सम करना, इंटीजर, एलसीएम निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. देर आर सो मेनी फंक्शंस विच हैव बीन ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन अवर एक्सेल. ओके, सम लाइब्रेरीज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, सो वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स विद अवर बुक. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सेल रेफरेंस टू द अनदर वर्कशीट. See beta, the Microsoft Excel provides the facility to use the cell reference of the one worksheet in the another worksheet. मतलब हम पर्टिकुलर किसी एक सेल के एड्रेस को एक शीट से दूसरी शीट में यूज कर सकते हैं विद द एड्रेस ऑफ इट. और कैसे, यू हैव टू यूज द वर्कशीट नंबर विच इज फॉलोड बाय एक्सप्लेनेटरी साइन. दिस वन इज योर एक्सप्लेनेटरी साइन विच इज यूज टू रेफर द सेल इन द अनदर वर्कशीट. सी For example, the sheet 2 and explanatory D7. Sheet 2 is the name of your sheet 2 and this one is your explanatory sign, means you have to use the address of another cell in a particular existing sheet and this one is your cell address. See, beta, for example, 300, ये क्या है आपका D column है और 7th row है, तो ये इसका address क्या, इस cell का address क्या है D7, और वैल्यू क्या प्लेस है D7 एड्रेस पर, 300. नाउ हाउ वी कैन यूज इट इन अनदर वर्कशीट, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द अनदर एग्जांपल. वी आर गोइंग टू यूज द सेल एड्रेस D7 ऑफ शीट 1. देखो ये शीट 1 का D7 एड्रेस था, नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट इन अ शीट 2. हाउ इज इट पॉसिबल, सी बेटा दिस वन इज योर शीट 2. ओके, नाउ सी यू आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू एट दिस वेरिएबल. आप कैंटीन बिल में उस वैल्यू को यूज करना चाहते हो, तो जहां आप उस वैल्यू को यूज करना चाहते हो, मैंने आपको इन द प्रीवियस लेक्चर बताया था, यू हैव टू यूज इक्वल टू साइन. आप जब भी कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करो या आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हो, तो नाउ यूज शीट 1. शीट 1 आपकी पहले वाली शीट का नाम है, एक्सप्लेनेटरी साइन आपको यूज करना बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर शीट, वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर सेल. नाउ D7 इज द एड्रेस ऑफ योर प्रीवियस सेल जो आपकी प्रीवियस शीट में है. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल, वो कैसे पुट करेगा, शीट 2 है ये और शीट 2 में आप शीट 1 के एक सेल का एड्रेस यूज कर रहे हो. सी यहां पर वैल्यू क्या प्लेस हुई शीट 2 में, वहां एड्रेस में क्या वैल्यू थी, 300. नाउ इट विल यूज दैट वैल्यू इन द प्लेस ऑफ दिस सेल. ओके, एंड सी दिस वन इज इन योर शीट 2. सो दिस इज द वे टू यूज द सेल रेफरेंस टू द अनदर वर्कशीट. नाउ सी बेटा व्हाट आर फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, दीज आर सम प्री डिफाइंड कमांड्स दैट एक्ट एज ऑन अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, जिसमें हम रेंज ऑफ सेल्स के ऊपर फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं. यू हैव टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर ऑपरेशंस वेरी क्विकली, और जब वो फंक्शंस प्री डिफाइंड है तो आप क्विकली उन्हें यूज कर सकते हो. इन अवर एक्सेल इट प्रोवाइड्स द वेराइटीज ऑफ फंक्शंस लाइक ऑटोसम, रिसेंटली यूज, financial, logical, text, date, these all are some predefined functions which we are going to use whenever it is required in a very quick manner. Now these functions are present in the functional library group of formulas tab on the ribbon. जो आपका ribbon में एक tab दिया होता है ना function के नाम से, formula tab के नाम से, जब भी आप उस पर click करोगे तो आपको ये सारे functions वहां पर seen होंगे. See beta, like this. This one is your formula tab. Whenever you are going to open this formula tab, these all functions are given in that library. Okay? Now, in Microsoft Excel, while using the functions, some details we हमें अपने mind में रखनी होती हैं जब भी हम उन functions को use करते हैं. क्या? All the functions, सभी functions के two parts होते हैं. एक तो function का name and the second one is the argument. Arguments क्या होते हैं? Values जो आप उसमें insert करवा रहे हो.
द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉर्मली गिवन विद इन द राउंड ब्रैकेट्स. जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स उसमें इंसर्ट करवाओगे तो प्लीज मेक श्योर दैट दे आर इन द ब्रैकेट्स. अ फंक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन. जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी फंक्शन आप स्टार्ट करोगे इट विल स्टार्ट विद द इक्वल टू साइन. इट इज नेसेसरी. नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. सी द नंबर्स आर गिवन. यू हैव टू सेलेक्ट ऑल एंड दिस वन इज योर फंक्शन इक्वल टू. यू हैव टू स्टार्ट इट विद द इक्वल टू साइन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन एवरेज एंड दीज आर आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स में आप क्या डाल रहे हो? ए वन से लेकर ए फाइव तक के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सबको क्या करेगा? उनका एवरेज निकालेगा. तो एवरेज फंक्शन आपका क्या है? प्रीडिफाइंड फंक्शन है. सो सी ए वन क्या है आपका? 12 और ए फाइव तक क्या है? 10. इन सभी की क्या करेगा? एवरेज निकालेगा. जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे सी, जैसे कि हमने सम में किया था, वेन एवर वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन एंटर की, तो हमारा सम हमारे सामने कैलकुलेट होकर आ गया था. सो सेम विल बी हैपन इन दिस ऑल्सो. सी द अनदर एग्जाम्पल. काउंट. इफ वी काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ गिवन रेंज. ये जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स गिवन है, हम क्या चाहते हैं? इसको काउंट करना चाहते हैं. तो उसका फंक्शन क्या होगा? सिंटेक्स, द फंक्शन इज इक्वल टू काउंट एंड रेंज और नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल काउंट ए वन इज योर रेंज और काउंट इज योर फंक्शन नेम एंड ए वन टू ए फाइव इज योर आर्ग्यूमेंट. सो इट गिव्स द आउटपुट 4 बिकॉज इट विल कैलकुलेट द 4 नंबर्स 1, 2, 3 and 4 बिकॉज दिस वन इज योर वर्ड. ये क्या है? हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट वेरिएबल है. तो हमने उसे हमने क्या कहा था? वो उसको काउंट करेगी कि कितनी नंबर ऑफ सेल्स में उसको नंबर्स गिवन है. तो उसने क्या किया? 1, 2, 3, 4 उसने क्या काउंट किया? 4. सो देर आर सो मेनी फंक्शंस आर गिवन इन योर बुक. यू हैव टू रीड ऑल दीज फंक्शंस एंड इन अवर जूम क्लास वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज फंक्शंस विद प्रैक्टिकली ऑल्सो. सो यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर बुक फर्स्ट. ओके.